हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत मेडिकल टेस्ट आपको दोबारा देना पड़ेगा। अगर आप कुवैत देश में आ चुके हो और आपका गम का मेडिकल टेस्ट इंडिया में, फिर कुवैत में आपका टेस्ट हो चुका है और आपका सिविल आईडी भी बन गया है, अब आपकी जो सिविल आईडी है उस सिविल आईडी पे एक्सपायरी डेट होगी। अब मान लीजिए कि आपके कफील ने एक साल के लिए अकामा आपका लगाया है, सिविल आईडी एक साल के लिए वैलिड है या दो साल के लिए या तीन साल के लिए वैलिड है। अब इसमें जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए, सपोज़ करिए कि आज जो है 2022 चल रहा है, 2024 तक आपकी सिविल आईडी एक्सपायर हो रही है, यानी कि 2024 के बाद दो साल के लिए आपका अकामा लगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको मेडिकल टेस्ट दोबारा कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा, या आप इंडिया जाते हो वहाँ से आते हो तो आपका मेडिकल टेस्ट दोबारा कुवैत में होगा या नहीं होगा। अगर आपकी सिविल आईडी एक्सपायर हो जाती है या एक्सपायर होने वाली है तो क्या आपका मेडिकल टेस्ट कुवैत देश में होगा कि नहीं होगा, इसी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तभी लाइक करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि कुवैत से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रोज़ाना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। कुवैत देश में अगर आप आ गए हैं, आपका दो साल का, तीन साल का, मान लीजिए सपोज़ करिए दो साल का आपका सिविल आईडी लग चुका है, और ऐसी कंडीशन में आप जो है दो साल तक कुवैत देश में बरकरार हैं, अभी आप इंडिया नहीं गए। अब मान लीजिए कि आपका नेक्स्ट महीने जो है आपकी सिविल आईडी एक्सपायर हो रही है और अभी आप अभी कहीं भी सफ़र नहीं गए, कहीं का मतलब जैसे कि मान लीजिए इंडिया हो गया, या आप उमरा करने गए हो, या आप इराक गए हो, कहीं भी कोई सफ़र अगर आप नहीं गए हैं तो आपका कुवैत देश में मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। अब क्या प्रक्रिया है उसकी, जैसे मान लीजिए कि अगले महीने आपका सिविल आईडी एक्सपायर हो रहा है, अपने कफील को आप बोलते हो, कफील आपका सिविल आईडी को रीन्यूअल करा करके आपको ला के दे देता है बगैर कोई मेडिकल टेस्ट के, बगैर कोई सिस्टम के। और अगर आप मान लीजिए कि दो साल का आपका सिविल आईडी का मामला था, एक्सपायर होने था, और उन दो सालों में आप डेढ़ साल में, पौने दो साल में आप इंडिया चले गए, और इंडिया जाने के बाद छुट्टी काटने के बाद जब चार महीने बाद आप यहाँ कुवैत देश में आए ना, तो आपका एकाध दो महीने बाद अगर एक्सपायर हो रही है सिविल आईडी, तो ऐसी कंडीशन में तो सिविल आईडी जब भी एक्सपायर होगी तभी आपका कफील आपका रिन्यूअल करेगा। होल लाइफ के लिए तो सिविल आईडी यहाँ की होती नहीं ना, टाइम बाउंडेशन रहता है, दो साल, तीन साल, एक साल, तो आपका कफील रिन्यूअल करने जाएगा तो वो रिन्यूअल नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप सफ़र से होकर के कुवैत देश में आए हो उस टाइम पीरियड के अंदर, तो आपका जब सिविल आईडी एक्सपायर को हो चुकेगा और रिन्यूअल कराने जाएगा कफील, तो आपका पहले मेडिकल टेस्ट होगा। अब कुवैत देश में मेडिकल टेस्ट जो होगा उसका अपॉइंटमेंट होगा, फिर आप मेडिकल देंगे, फिर 15 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, 15 दिन के अंदर ही आ जाती है, फिर रिपोर्ट वो फिट होगी, तब आपका सिविल आईडी कुवैत देश में रिन्यूअल होगा। और मान लीजिए, सपोज करिए कि आपका अनफिट अगर मेडिकल आ जाता है या कोई कन्फ्यूज़न होती है, तो दोबारा रीमेडिकल वो करवा लेते हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम्स आई तो आपका सिविल आईडी रिन्यूअल नहीं होगा, फिर भी आपको वापस घर जाना पड़ेगा, भले दो साल तीन साल आपने कुवैत देश में काम कर लिया हो। कुछ डिजीज़ ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए शुगर वगैरह किसी को हो गई, किसी को छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो गई, उसके लिए ट्रीटमेंट है, लेकिन जो ब्लड सैंपल यहाँ पे लिया जाता है, चेस्ट एक्सरे होता है, उसमें कोई भी चीज़ निकलनी नहीं चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आपका अकामा भी रिन्यूअल होगा और आप कुवैत देश में ज़्यादा दिन तक जॉब कर पाओगे। कुवैत देश में अगर आपका सिविल आईडी एक्सपायर होने वाला है, सफ़र गए हो, तो आपका मेडिकल होगा। मान लीजिए, सपोज़ करिए, बहुत से लोग चार चार साल, पाँच पाँच साल, छः छः साल कुवैत देश से नहीं जाते हैं, ऐसी कंडीशन में उनका दो बार तीन बार सिविल आईडी रिन्यूअल होता है, कफील रिन्यूअल कराता है, तो वो एक बार भी मेडिकल टेस्ट उनका नहीं होता है कुवैत देश में। अगर आप न्यू वीज़ा के तहत आए हो, नए नए आए हो, और आपका सिविल आईडी दो साल के लिए बना है और आप छः साल बाद घर जा रहे हो, तो समझ जाइए कि छः साल के अंदर अंदर आपको कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना है। लेकिन अगर दो साल के अंदर चले गए या तीसरे साल पे गए, तो जब भी आप जाओगे, तो जब दोबारा आपका सिस्टम होगा, तो आपको वहाँ पर रिन्यूअल कराते वक्त मेडिकल टेस्ट आपको कराना पड़ेगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके जाइए, कुवैत देश से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे, नहीं तो भैया यूट्यूब पर ढूंढते रहोगे, जल्दी मिल भी नहीं पाऊँगा मैं, और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाएगी। तो आई होप कि आप लोग सब्सक्राइब कर चुके होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। सलाम, नमस्ते, और दुआओं में ज़रूर याद रखिए।